फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। आज है 3 जनवरी 2021। ये नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे सारे व्यूअर्स को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। आज संडे स्पेशल कुकिंग ब्लॉग में मैं बना रही हूँ हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। ये सबसे आसान दम बिरयानी है। मैं आपको 4 स्टेप में ये दम बिरयानी बनाना दिखाऊंगी। फर्स्ट स्टेप है क्रिस्पी फ्राइड अनियन बनाना, और लास्ट स्टेप है बिरयानी को असेंबल कैसे करते हैं। ये बिरयानी बहुत ज़्यादा लजीज होती है और बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसान होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका फर्स्ट स्टेप, क्रिस्पी फ्राइड अनियन यानी कि बरिस्ता कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम गोल्डन फ्राइड अनियन तैयार कर लेंगे यानी कि बरिस्ता। 3 बड़े प्याज स्लाइस कर लिए हैं एकदम पतले पतले। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इस प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। मैंने एकदम सारे अनियन नहीं डाले हैं, आधे आधे कर मैं इसे तल लूंगी। देखिए अब हमारे प्याज गोल्डन हो चुके हैं, बस अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। इससे ज्यादा इसे काला मत कीजिए। बाकी बचे प्याज इसमें डाल दूंगी। ये हमारा क्रिस्पी फ्राइड अनियन रेडी है। इस पर मैं थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर लूंगी। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, आप आवाज सुन सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 kg चिकन। अब मैं इसे मैरिनेट कर दूंगी। सबसे पहले नमक, के बाद 1 teaspoon नींबू का रस, मिर्च पाउडर 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, हींग 1/2 चम्मच, ये है धनिया पाउडर 1 चम्मच, भुने हुए जीरे का पाउडर 1 चम्मच, यह है थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये मैं डालूंगी 2 teaspoon, फ्राइड अनियन। इसमें से मैंने आधे डाल दिए हैं, आधे मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी। हैदराबादी दम बिरयानी में जिंजर गार्लिक पेस्ट के अलावा कोई भी दूसरा पेस्ट नहीं जाता, मतलब कि ना ही टोमेटो पेस्ट जाता है ना ही अनियन पेस्ट जाता है। इसमें अनियन डाला जाता है लेकिन क्रिस्पी फ्राइड अनियन डाला जाता है, अनियन की पेस्ट नहीं डाली जाती। बारीक चॉप की हुई धनिया, और ये है पुदीने के पत्ते। इसमें से मैंने आधे रख दिए हैं, ये मैं गार्निशिंग के टाइम यूज करूंगी। हैदराबादी बिरयानी में जिंजर गार्लिक पेस्ट के अलावा बाकी कोई पेस्ट नहीं डलता। अब सबसे लास्ट में ये दही। ये दही खट्टा नहीं है। अगर आपका दही खट्टा है तो आप लेमन जूस मत इस्तेमाल कीजिए, या फिर दही कम यूज कीजिए। यह है एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला, ये डाला मैंने 3 चम्मच,
और ये है चिकन मसाला। इसे कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर दीजिए, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 4-5 घंटे भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने चिकन मैरिनेशन के टाइम जो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है वो रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट है। यहाँ पर मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर हो सके तो आप रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट ही यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे बिरयानी का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप कर सके तो रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट ही यूज़ कीजिए। गैस पर मैंने ये बिरयानी हंडी रखी है, मैं इसमें तेल डालूंगी। ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई कर लिया था। करके अब मैं इस चिकन को पकने के लिए छोड़ दूंगी। मैं इसे 90% तक पका लूंगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। हमारा चिकन कुक होने में कम से कम 10 मिनट है, तब तक हम हमारा राइस रेडी कर लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ राइस में कैसे कुक करती हूँ। 10-15 मिनट ये पकता रहेगा स्लो गैस पर। यहाँ पर मैंने आधा किलो बासमती चावल भिगोए हैं। ये दावत का बिरयानी राइस है। इसे मैंने 1 घंटे पहले धोकर पानी में भिगो कर रखा था। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ गरम मसाले, जिसमें है तेज पत्ता, शाही जीरा, ये है दालचीनी के 4-5 टुकड़े, ये है बड़ी इलायची, छोटी इलायची 2-3 लौंग, ये है जावित्री। गैस पर मैंने बड़ी कढ़ाई रखी है, मैं इसमें 2 चम्मच तेल डालूंगी। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें हमारे गरम मसाले डाल दूंगी। इसमें पानी डाल दूंगी। गैस की फ्लेम हाई कर दूंगी मैं, और अब इसमें डालेंगे हम नमक। मैंने इसमें 4 चम्मच नमक डाला है, क्योंकि हम राइस को छान लेंगे तब ये पानी के साथ इसका आधा नमक तो निकल जाएगा। उसके बाद थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा धनिया। और आधे नींबू का रस। नींबू का रस डालने से हमारे चावल का कलर सफेद रहता है और उसमें फ्लेवर भी ऐड हो जाता है। अब मैं इसे ढक दूंगी। पानी में उबाल आने के बाद इसमें हम चावल छोड़ देंगे। उबल चुका है, अब मैं इसमें हमारे चावल ऐड कर देती हूँ। चावल को मैं 70-80% कुक कर लूंगी। चावल भीगे हुए हैं, इसीलिए इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2-3 मिनट में ये 50-70% पक जाएंगे। ये देखिए हमारे चावल लगभग 70% कुक हो चुके हैं। थोड़ा सा दाना बाकी है इनमें, इतना रहना भी चाहिए। अब मैं इसे छान लेती हूँ। मैंने चावल छान लिए हैं।
अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा चिकन कैसे पका है। ये देखिए हमारा चिकन उसमें 15 मिनट से पक रहा था। ये पक चुका है और ये ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है। अब हमें बस इसके ऊपर हमारे राइस डाल देने हैं। जो ग्रेवी है ये ग्रेवी हमें रखनी है क्योंकि हमारे राइस 70% पके हुए हैं, उसे थोड़ा सा पकना अभी बाकी है, इसलिए ये ग्रेवी मैं ड्राई नहीं करूँगी, इतनी रहने दूँगी ताकि इस ग्रेवी में हमारे चावल भी पूरी तरह से पक जाए। अब मैं इसके ऊपर राइस डाल दूंगी। हैदराबादी दम बिरयानी में रोज़ वाटर या फिर केवड़ा वाटर यूज़ किया जाता है, लेकिन मेरे पास ये दोनों भी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है। लेकिन अगर आपको एरोमेटिक बिरयानी पसंद है और आपके पास केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर है तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मैंने हमारा सारा राइस डाल दिया है। आपने देखा होगा मैंने नीचे वाला लेयर चिकन का है और ऊपर वाला राइस का, मैंने इसके ज़्यादा लेयर नहीं लगाए हैं। अब मैं इसे ऊपर से क्रिस्पी फ्राइड अनियन से गार्निश कर दूंगी और धनिया और पुदीने के पत्ते से। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर पानी में मिला लिया है, ये मैं आधे राइस में डाल दूंगी और ये है थोड़ा सा ग्रीन कलर, ग्रीन फूड कलर, ये मैं आधे राइस में डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है लेकिन थोड़ा सा कलरफुल दिखने के लिए मैंने इसमें ये डाला है, आप अवॉइड कर सकते हो। गैस की फ्लेम मैंने एकदम लो कर दी है और अब 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे दम पर रख दूंगी, मतलब भाप पर ये पकता रहेगा जिससे हमारा चिकन भी पूरी तरह से कुक हो जाएगा और राइस भी। बिरयानी जब तक बन रही है मैं आपको दिखाती हूँ ककड़ी और दही का रायता मैं कैसे बनाती हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दही, से मैं अच्छे से फेंट लूंगी। अब इस दही में मैं डालूंगी ककड़ी बारीक कटी हुई, टोमेटो, प्याज, थोड़ी सी कोरिएंडर और 2-3 चिलीज बारीक कट करके। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शक्कर, और इसे अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। देखिए ये रेडी है और ये बहुत ज्यादा अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए बिरयानी के साथ। 20 मिनट हमारी बिरयानी लो फ्लेम पर पक रही थी।
तो आज के कुकिंग ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ये दम बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी और ये ब्लॉग भी आपने एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले कुकिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू के बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं अगले कुकिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।